साइड में बैठ जा, हट जल्दी। अरे उनको हटाओ ना आगे। ए नो, अरे हटो हटो हमें से। आइए सर। पीछे गाड़ी है यार। चलिए। अरे क्या करी? बिना हेल्प करते? हाँ करना है सिक्योरिटी सही नहीं चल रही आगे। So you will get visuals. Let us just go to the spot. चल। चलो निकल जाए, कैसे निकल जाओ? कैसे निकल जाते वही है जो तो बोला था ना, वही है। अरे एक बाइक रोड ले लो ना यार, बाइक के साथ पूरा पीछे ना, पीछे पीछे हो, पता तो चले काहे पा रहे हैं ऐसा, साइकिल से आ रहे तो। अरे हजर पीछे है यार। अरे और काम हाथ आ रहे ना, चलो वो अरे ए, सर लुक किस साइड सर, अरे नहीं आ रही है सर, एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा हाँ हाँ ये जल रहा है पूरा ना, कम करके रखो। बस इन सबको यही सिखाने हैं, बिना हेलमेट के कांड करने नहीं रोड पे पहुंचना, गरम करना है हेलमेट करके, ठीक है? क्या करेगा? गरम कर, गरम करना है जोर से बोल, गरम करना है, गरम करेगा। ऑल द बेस्ट। अरे सब पे धक्का मत मारो उधर, ये साइड है ना अपना, अगर पीछे हो ना यार। आप कौन सा चल भाई निकल, चल हो गया। ए गुड्डू 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 भी आया बिना हेलमेट के। अरे इधर से ले भाई। अरे 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 रुकिए सर, सोनू सर इधर देखो। अरे किसी ने कैमरे यार, गुड्डू भाई का चालान कटेगा। ए गुड्डू भाई चालान कटेगा तुम्हारा, पैर भी चला देंगे। मोबाइल भी दे भाई, पीछे आओ ना यार। अरे मोबाइल भी दे दूंगा। ए दादा पिछड़ो पिछड़ो भाई,
अरे इधर चलो, उधर चलो ना, ये सामने तो निकाल रहे हो। अरे पीछे पीछे, अरे भाई ये वो भाई हाथ को भी सारा करना आपको निकलने के लिए। पेट्रोल पंप वाला भी आ गया। अरे मैडम अरे दादा हटो यार। अरे क्या हम लोग काम खराब कर रहे हो, पीछे कैमरा सोनू सर हटा के यार। अरे चलो भाई, अरे ओ हो गया भाई, लाला लाला वहाँ से विजुअल बहुत हो गया, विजुअल हो गया बहुत। चल अरे पब्लिक साइड में करो यार। बोलो उनको स्टार्ट, चलो रोड। अरे वायर गिर गया। आई थिंक बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये मैसेज देना कि कितना जब रोड पे आप निकलते हो तो यू नो आपकी परिवार वाले आपके इंतज़ार करते हैं, और हमने देखा कई बार बड़े आजकल यूथ बड़ी तेज़ी से बिना हेलमेट के गाड़ी निकालते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग हेलमेट पहने, यू नो रूल्स रेगुलेशंस के साथ साथ अपने परिवार वालों के लिए भी पहने। और आज रविंदर भाई हमारे साथ हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर टू सेंड दिस मैसेज कि सड़कों पर कांड नहीं कर्म करना ज़रूरी है। यू नो हम लोग रोडीज में भी वही मैसेज देते हैं कि कांड मत कीजिए, कर्म कीजिए, और हेलमेट पहन के कर्म कीजिए, ना सिर्फ खुद के लिए अपने परिवार वालों के लिए बट आई थिंक दूसरों के लिए भी मैसेज देना ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है और खुद के लिए ये मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है। जी नहीं, आई थिंक खुद की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद आप देखें। यू नो बड़ा आसान है कि रोड के बारे में आप बात कर लें या सामने वाले की गलती के बारे में बात करें, हमेशा एक्सीडेंट में गलती एक ही की होती है और दूसरा चपेट में ज़रूर आता है, लेकिन खुद की आप क्या सेफ्टी लेके चलते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आज उसी अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और रविंदर जी सर आप क्या कहेंगे? सर जैसे सोनू जी ने बताया कि मैं देखता हूँ पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, और महाराष्ट्र का भी जो नंबर है सेकंड या थर्ड आता है पूरे कई सालों से। तो जैसे सोनू जी ने बताया कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पुलिस में हूँ सिर्फ इसलिए नहीं, परंतु एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम सबकी जिम्मेवारी है एक मैसेज देने की कि एक्सीडेंट्स जैसे बताया गया कि किसी दूसरे की गलती से भी हो सकते हैं, अपनी भी, या कई बार रोड कंडीशन से भी हो सकता है, लाइट नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, परंतु इन चीज़ों को दोष देने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम कितना सेफ रह सकते हैं वो ज़रूरी है। सिर्फ हेलमेट पहनना ही नहीं, हेलमेट को अच्छे से स्ट्रैप करना भी बहुत ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे सोनू जी ने बताया कि पूरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही होती है, और मैंने देखा है कि यूथ सबसे ज़्यादा वो एक्सीडेंट्स में मरते हैं या डेथ होती हैं। ऐसा ना हो, एमटीवी ने या सोनू जी ने जो एक बड़ा मैसेज दो देने की कोशिश की है वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और हम सबको मिलके इसमें काम करने की ज़रूरत है। यू नो आई फील जैसे हम लोग यू नो रोडीज में मैं सबको कहता रहता हूँ, अपने गैंग लीडर्स को भी कहता हूँ कि झगड़ा मत करो, प्यार से रहो। एंड आई थिंक वो सब ज़रूरी, हम देखते हैं रोड रेजेस में भी, रोड्स में भी बड़ी बार लोग झगड़ा करते हैं, यू नो नुकसान करते हैं खुद ब खुद। सो आई थिंक इट्स अ मैसेज वेयर लिव पीसफुली, भाई बंधु की तरह रहिए, हेलमेट्स पहनिए, दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखिए, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि आप एक जिम्मेदार सिटीजन है हिंदुस्तान के, और किस तरह ना सिर्फ ये चीज़ों का ध्यान रख के आप खुद की सेफ्टी करते हैं
बल्कि आप दूसरों को भी सेव करते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ मैसेज यू वांट टू स्प्रेड। और हमारे रूडीज़ का फिनाले भी आ रहा है 15 अक्टूबर को, वो भी ज़रूर देखिए। और रविंद्र जी जैसे आइडल जो हैं यू नो उनको भी फॉलो कीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छा मैसेज स्प्रेड करना, बी यू नो अ गिवर इन द सोसाइटी एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। और हमेशा इसको साथ में चलिए क्योंकि यही एक रिश्ता है जो आपको और आपके परिवार के साथ जोड़े रखेगा। सो ऑलवेज वेयर हेलमेट्स एंड फॉलो दोस रूल्स। जी 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 कमाल था। यू नो मैं जब ऐसे एन एक्टर दूसरी फिल्म में काम करता बड़ी इच्छा होती थी कि ऐसा एक्शन लेके आओ जो हिंदुस्तान में ना देखा जाए। और अब क्योंकि मैं फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और एक्ट भी कर रहा हूँ तो इसलिए वी गॉट द बेस्ट ऑफ एक्शन टीम फ्रॉम अब्रॉड, जिन्होंने जुरासिक पार्क, फास्ट एंड फ्यूरियस, एक्सट्रैक्शन जैसी फिल्में की हैं, तो वो पूरी टीम उन्होंने आके किया है। बट लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान में एक्शन की फिल्में बननी चाहिए तो कैसी बननी चाहिए। सो फिंगर्स क्रॉस होता है सिर्फ एक्शन करते हुए और बहुत सारा एक्शन करते हुए देखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड स्टे सेफ। थैंक यू।